चौहान दिल्ली गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी हुई आग अभी तक बुझ नहीं पाई है। 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। फायर कर्मी लगातार आग बुझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली LOP MCD राजा इकबाल भी लैंडफिल साइट का दौरा करने पहुंचे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। दिल्ली गाजीपुर लैंडफिल साइट पर तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, अभी भी यहां पर जो आग है वो धधक रही है। पूरे इलाके में इसका धुआं फैल चुका है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ LOP MCD राजा इकबाल जी मौजूद हैं। सर, अगर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, आग लगा हुआ है, धुआं पूरे इलाके में फैल चुका है, किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है? देखो, समाधान से पहले मैं इस जनता को दिखाना चाहता हूँ कि जनता कितनी गंदगी में, बदबू में, एयर पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूशन में रह रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम एक साल के अंदर अंदर ये कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, और जानकर बहुत दुख होता है कि कूड़े के पहाड़ तो खत्म नहीं हुए, जो मशीनें काम कर रही थी वो आज की डेट में काम नहीं कर रही, कूड़ा बढ़ रहा है। ये ठेकेदारों को फायदा देने के लिए मुझे लग रहा है किसी ना किसी ने शरारत की है, ये भी जाँच का विषय है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार ही पार्टी है, वो केवल भ्रष्टाचार के लिए ये सारे काम करती है, और आम आदमी को समझ होनी चाहिए कि आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। कई साल हो गए हैं, तो क्या कुछ कारण है कि ये खत्म नहीं हो पा रहा है? क्योंकि दिल्ली में कई सारे लैंडफिल साइट हैं और हम यहाँ का जो इलाका है पूरी तरीके से इससे त्रस्त है, प्रभावित हो चुका है। देखो, जब भारतीय जनता पार्टी का समय था, हम ग्रेजुअली इसको कम कर रहे थे और इसको एक दो साल में हमने खत्म कर देना था, मगर अब जब से आम आदमी पार्टी आई है पिछले 1.5 साल से यहाँ पर काम ही बंद हो रखा है, और कूड़ा के ऊपर कूड़ा आ रहा है और कूड़े का निष्पादन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से कूड़े का डिस्पोजल ना होने की वजह से ये माहौल बन गया और गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल आप लोग विपक्ष में हैं, तो क्या लगता है वो कैसे इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि यहाँ के आसपास के लोग कई सारी बीमारियों से त्रस्त है। हमने बातचीत भी किया है, जिनकी नाराजगी आपके प्रति भी देखने को मिली और आम आदमी पार्टी के प्रति भी देखने को मिली कि सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन इसका समाधान नहीं हो पाता है। देखो, इसका समाधान तभी है जैसे हमने 25 मशीनें लगाई। अब आम आदमी पार्टी की आते हैं, उनको भी 10 मशीनें बढ़ानी चाहिए थी, मगर आपने मशीनें बढ़ाने की बजाय जो 25 है उसको भी कम कर दिया। केवल आप ठेकेदारों को फायदा देना की सोच रहे हैं। अगर जहां पर आपका इंटरेस्ट करप्शन में हो जाएगा, पैसे में हो जाएगा, तो जनता को आप भूल जाएंगे, और यही बात आम आदमी पार्टी में आज दिख रही है। चलिए, धन्यवाद आपका। साफ तौर पर गाजीपुर लैंडफिल साइट जो है ये पुराना मामला हो चुका है, यहाँ पर फिलहाल समस्या का समाधान जो है दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन पिंटू के साथ में अजीत, टोटल टीवी दिल्ली।